नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, जिसकी शुरुआत 1 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से की। पेश है एक रिपोर्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB में बचत और चालू खातों, मनी ट्रांसफर, बिल भुगतान तथा कारोबारी भुगतान जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में भी इस बैंक की 210 शाखाएं खुल गई हैं। भोपाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अभिनव पहल ने बैंक को घर घर तक पहुंचा दिया है। देश के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी कदम है। इस बैंकिंग सेवा के लिए भारतीय डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया जाएगा। देश भर में तैनात 3 लाख से ज्यादा डाकियों और ग्राम सेवक इस सेवा में सहायक बनेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाएं और 3,250 सेवा केंद्र होंगे। इस साल 31 दिसंबर तक देश के सभी 1,55,000 डाकघरों को IPPB से जोड़ दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा। इसी कड़ी में प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर में लश्कर प्रधान डाकघर ग्वालियर शाखा के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सहित 4 अन्य एक्सेस पॉइंट्स की शुरुआत की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया का खाता भी IPPB में खोला गया। आधार कार्ड पर आधारित ये खाता अंगूठे से यानी थंब इम्प्रेशन से खोला गया। खाता खुलने के बाद उन्हें डाकघर के अधिकारियों द्वारा QR कार्ड सौंपा गया। ये QR कार्ड बैंक के ATM की तर्ज पर काम करता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पवैया ने इसके बाद 4 अन्य खाता धारकों को QR कार्ड वितरित किए। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि IPPB देश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। IPPB से बैंकिंग सेवाएं घर घर पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि डाकघर भारत की सबसे पुरानी व्यवस्था है, इससे देश का हर गांव जुड़ा है। कार्यक्रम में प्रवर अधीक्षक डाकघर ग्वालियर एवं संभागीय नोडल अधिकारी SK ठाकरे और IPPB के प्रतिनिधि अंकुश शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि जयभान सिंह पवैया ने डाकघर द्वारा ऐतिहासिक निर्णयों के समय जारी किए जाने वाले विशेष लिफाफे का विमोचन भी किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। पिछले दिनों प्रदेश भर के तेंदुपत्ता संग्राहकों को शासन ने बोनस की राशि में करीब 495 करोड़ रुपए वितरित किए। गुना में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे गुना संवाददाता। गुना जिले में आयोजित समारोह में तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस 2017 का वितरण किया गया। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खेल परिसर में आयोजित समारोह में गुना जिले में वर्ष 2017 सीजन का लाभांश 16 प्राथमिक लघु वनोपज सरकारी समितियों के 19,403 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 8,13,00,000 रुपए की राशि का भुगतान सीधे नेट बैंकिंग के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकार गरीब एवं कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इस अवसर पर श्रीमती चौहान ने उपस्थित जनों को संबल योजना की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत VVPAT का प्रदर्शन के साथ ही मतदाताओं को VVPAT की उपयोगिता एवं उपयोग करने की विधि भी बताई गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने खंडवा जिले के ग्राम रोशनी में वर्ष 2017 का तेंदुपत्ता लाभांश वितरित किया। बता रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। खंडवा जिले में वर्ष 2017 में लगभग 8,97,00,000 रुपए लाभांश के रूप में तेंदुपत्ता संग्राहकों को वितरित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर शाह ने 3 बैंकों के प्रबंधकों के लैपटॉप पर बटन दबाकर तेंदुपत्ता संग्राहकों की बोनस की राशि संबंधित हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई की। मंत्री डॉक्टर शाह ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों की परेशानियों को समझते हुए सरकार ने उनके बोनस की राशि में वृद्धि के साथ साथ उन्हें पानी की कुप्पी, जूते, चप्पल, महिलाओं को साड़ी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहक कल्याण योजना के तहत संग्राहक की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि 26,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
और अब रुख करेंगे सतना का, जहां किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सतना संवाददाता। सतना जिले में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के किशोरों में नशे की लत से दूर कराने एवं किशोरियों को माहवारी के दौरान सावधानी बरतने को लेकर किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के चयनित 600 गांव में किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस शिविर में किशोर और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। इन शिविरों में ब्लॉक स्तर पर RBS की टीम, दीनदयाल चलित अस्पताल, आयुष चिकित्सक के साथ साथ ANM भी सहयोग कर रही हैं। जिले में भारत सरकार की राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी समय पर देने से इनकी जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ खुशहाल जीवन भी होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। आगरमालवा जिले में 1 सितंबर से निरोगी काया खोज अभियान की शुरुआत हुई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। निरोगी काया खोज अभियान आगरमालवा जिले में भी गत 1 सितंबर से शुरू हुआ। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के प्रारंभिक चरण में प्रदेश के सभी जिलों से दो दो विकास खंडों का चयन किया गया है। इसके तहत आगरमालवा जिले से बड़ौद व सुसनेर विकास खंड को चयनित किया गया है। अभियान के तहत ANM तथा आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर सर्वे करेगी। वहीं उच्च रक्तचाप के लक्षण, शुगर, कैंसर, TB, कुष्ठ आदि बीमारियों से ग्रसित मरीजों की सूची तैयार की जाकर संबंधित BMO को उपलब्ध कराई जाएगी। सूची में पंजीबद्ध रोगियों को संबंधित रोग विशेषज्ञों द्वारा उपचार प्रदान किया जाएगा तथा गंभीर मरीजों को उपचार हेतु बाहर रेफर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। अब बात कृष्ण जन्माष्टमी की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जन्माष्टमी का त्योहार आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कई स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करने की सीख दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता के माध्यम से कर्म योग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भोपाल सेंट्रल जेल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं श्री चौहान ने इंदौर और सागर की खुली जेल के साथ रीवा जिले के त्योंथर और उज्जैन के बड़नगर उपजेल का लोकार्पण भी किया। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी खूबसूरत झांकियां बनाई गई हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं राणा शाहिद। वहीं शहडोल जिले में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में जहां भगवान कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं, वहीं सड़कों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का उत्साह देखते ही बनता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल जिले में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार उत्साह से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में जोरदार तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जगह जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भगवान कृष्ण के उपासक उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज रात 12 बजे घर घर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मोहन राम मंदिर, घरौलानाथ मंदिर, पंचायती मंदिर सहित नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी की गई है। गांधी चौक, पुराना गांधी चौक, सब्जी मंडी, गुरु नानक चौक, बस स्टैंड और सोहागपुर सहित दो दर्जन स्थानों पर मटकी फोड़
दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय युवा यादव महासभा की शहडोल इकाई ने जन्माष्टमी पर आज विशाल शोभा यात्रा निकाली। यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दुर्गा मंदिर पर समाप्त हुई। इसके अलावा जिले के बुढ़ार, अमलई, धनपुरी, बेवारी, जैसीनगर सहित गाँव में भी जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। वहीं उज्जैन में आज बाबा महाकाल की शाही सवारी शहर भ्रमण पर है। इसके लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे उज्जैन संवाददाता। जन्माष्टमी का महापर्व तो बाबा महाकाल की शाही सवारी, दोनों के लिए ही प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस ने भीड़ प्रबंधन कर रखा है, एक ही जगह पर ज्यादा श्रद्धालु एक साथ न जुटें उसके लिए व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। तो वहीं प्रशासन ने भी समय प्रबंधन किया हुआ है कि महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे सवारी की शुरुआत होने के साथ ही वह समय पर रात्रि 10 बजे महाकालेश्वर मंदिर में आ जाए। शहर के सभी श्री कृष्ण देवालयों में आज आकर्षक साज सज्जा की गई है। आज बाबा महाकाल की नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के पावन अवसर पर बाबा महाकाल नगर भ्रमण कर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए जा रहे हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु आज उज्जैन के सड़कों पर उमड़े हुए हैं। महाकाल की ही नगरी में श्री कृष्ण की ही शिक्षा पूर्ण हुई थी। गुरु शांदीपनी के आश्रम में भी आज जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, वहां भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसी के साथ गोपाल मंदिर जहां से बाबा की सवारी भी निकल रही है और इस्कॉन मंदिर जहां श्री कृष्ण के आकर्षक साज सज्जा के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज पूरा उज्जैन धर्ममय बन गया है। इस अवसर पर प्रशासन और पुलिस के लिए भी आज का दिन चुनौतीपूर्ण बन गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए हैं और वहीं चिकित्सा सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह उज्जैन ने स्वयं स्थल पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली है और SP उज्जैन ने भी यातायात व्यवस्था सहित सुरक्षा के इंतजामों की स्वयं निरीक्षण कर जानकारी ली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। धार के अधिपति भगवान धारनाथ परंपरा अनुसार भादो माह के दूसरे सोमवार को अपनी प्रजा का हाल जानने पालकी पर सवार हो निकले। बता रहे हैं हमारे धार संवाददाता। धारेश्वर महादेव मंदिर से धारनाथ बाबा का छबीना अपने पारंपरिक वैभव के साथ निकला है। मंदिर परिसर से यात्रा के पूर्व पूजा अर्चना व महाआरती की गई, जहाँ विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व धार महाराज सहित हजारों श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात सशस्त्र पुलिस बल द्वारा पालकी पर सवार भगवान धारेश्वर महादेव के सुसज्जित मुखौटे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शंकर सवारी के आगे आगे भक्तगण झाड़ू बुहारते हुए चल रहे हैं। केवट माझी समाज के युवाओं ने परंपरा अनुसार कांधों पर भगवान धारनाथ की शाही पालकी को ले रखा है। छबीने में बड़ी संख्या में शामिल श्रद्धालु ढोल ताशे डबरू व मजीरे बजाते हुए धारनाथ के जयकारे लगाते हुए भजन कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। शिवपुरी जिले में इस साल जोरदार बारिश का क्रम बना हुआ है। 3 दिन से हो रही बारिश के बाद नदी नाले तालाब पानी से लबालब हो गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। शिवपुरी शहर में 3 दिन से हो रही बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। इस साल अच्छी बारिश के बाद जिले की औसत बारिश का आंकड़ा जो 816.3 मिलीमीटर का है वह पूरा हो गया है। अच्छी बारिश के बाद शिवपुरी की सांग सागर झील, जादव सागर तालाब, माधव लेक ओवरफ्लो हो गए हैं। इसके अलावा जिले से निकलने वाली सिंध नदी भी उफान पर चल रही है। इसके कारण रन्नौद और इसके आसपास के एक दर्जन गांव में बारिश का पानी भर गया है। जिले में तेज बारिश के कारण शनिवार रविवार की रात को मणिखेड़ा डैम के भी 4 गेट खोले गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।